Hello people, I'm Ankna, your master teacher for social sciences at Vedantu, and how are my dear students doing? Guys, very very warm welcome to the fourth session of NCERT Solutions of our chapter India Size and Location. आज हम पेज नंबर 6 पे टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो दिया है उसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि मैम आएंगी और सिर्फ आंसर देकर चली जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है आंसर राइटिंग स्किल। ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। कोई भी नेचुरल बहुत मार्वलसली ब्यूटीफुल आंसर नहीं लिख देता है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे या आपने बहुत एक्सेल कर लिया है। ये सीखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू डेवलप दिस स्किल टुडे, ठीक है? ये कैसे होगा? तो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ताकि वो चीजें अगर हमने मिस आउट कर दी है लेसन में तो हम वो जा करके पढ़ सके। और दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आंसर में क्या पॉइंट्स मेंशन करने की जरूरत है। ना हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ना हम कुछ बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 3 से। The sun rises to us earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? सिंपल सा सवाल है। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश में जहां सनराइज है वो 2 घंटे पहले हो चुका होता है, यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे सनराइज, 5 बजे सनराइज हुई है, तो गुजरात में जाकर के 7 बजे सनराइज होती है। पर आप सुन रहे हो 5 बजे 7 बजे, लेकिन दोनों जगह घड़ी में सेम समय दिख रहा है, ऐसा कैसे होता है? सो एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, टाइम डिटरमाइन कैसे करते हैं हम? तो आपको पता है पूरे ग्लोब को हमने एक ग्रिड ऑफ लाइंस में डिवाइड किया है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइडेड है, और ये लाइंस जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अभी हम लैटिट्यूड को छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, विल फोकस ऑन लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्यों यूजफुल है? तो जैसे कि हर एक लॉन्गिट्यूड है वो हमारा किसी भी जगह का टाइम डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और कहीं का भी टाइम कैसे डिसाइड होता है? तो बच्चा मोस्टली उस एरिया में ना, उस पर्टिकुलर जोन में, उस टाइम जोन में जो सेंटर से लॉन्गिट्यूड पास हो रहा होगा, उस लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम फॉल करेगा वही उस पूरे जोन के लिए डिसाइड होता है। एंड द सेम लॉजिक हैज गॉन विद इंडिया ऑल्सो। इंडिया जो है वो एक ही टाइम जोन में लाई करता है, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज है जहां अलग अलग टाइम जोन होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जिनका विड्थ ज्यादा होता है, उनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ हाउ बिग दे आर। वो पूरे एंड टू एंड सेम टाइम फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए उनको अलग अलग टाइम जोन अलग अलग जगह पे फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि रशिया बहुत ही वाइड है, उसकी एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे 11 टाइम जोन्स है। बट इंडिया क्योंकि उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है, हमारा जो विड्थ है वो अराउंड 30 डिग्री का है लैटिट्यूडनल, अगर हम मान ले तो, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल अगर हम मान ले तो। सो इन दैट केस क्या होता है कि हमने एक ही टाइम जोन में पूरे कंट्री को रखा हुआ है। एक ही टाइम जोन में रखना बच्चा, यानी कि हर एक चीज जो उस जोन में आ रही है उन सारी जगहों पर सेम समय हो रहा होगा, और इसीलिए चाहे सनराइज में कितना भी फर्क क्यों ना हो, हमारा समय जो है वो पूरी कंट्री में सेम होता है। सनराइज, सनसेट, इन सबका टाइमिंग डिफरेंट होता है, करेक्ट? और ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसका टाइम हम कंसिडर करते हैं? तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो यहाँ पे कंसिडर होता है, ठीक है? So that is why the longitudinal gap between Arunachal Pradesh and Gujarat is about 30 degrees. Because of this, there is a long lag of because of this there is a time lag of about 2 hours between these states. Arunachal Pradesh is in the east, hence the sun rises earlier there compared to in Gujarat. The local time of 82.5 degree east longitude is taken as standard time throughout the country. Therefore, the watch shows the same time in both the states. It is called the Indian Standard Time. इसे हम Indian Standard Time कहते हैं, जो पूरे इंडिया में फॉलो होता है। Guys, now you can learn social sciences with me in English. Do not forget to subscribe the new channel Vedantu 9th and 10th English. ठीक है, यहाँ पे पूरा content आपको English में मिलेगा। If you struggle with Hindi, you can always go in and check out the content over there. Do not forget to subscribe. आपको Hindi समझ आती है फिर भी बच्चा, please go and check out the channel और subscribe करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी videos, आपको बहुत सारा content ऐसा मिलेगा जो उसमें कोई नई learning होगी, ठीक है?
एंड विद दैट वेरी क्विक एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पता नहीं अभी तक किया या नहीं, नहीं किया है तो फटाफट कर लो, वेदांतु ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग अमिताभ बच्चन एंड सिटिंग अक्रॉस हिम ऑन दैट हॉट सीट. एज यू गाइज नो, वी आर, वेदांतु इज द लर्निंग पार्टनर, ऑफिशियल लर्निंग पार्टनर ऑफ केबीसी. And through that, you're getting an opportunity of being on that hot seat, guys. What you have to do is just download the Vedantu app and play the week quiz that happens twice in a day on at 11 a.m. and 7 p.m. आप जब ये क्विज खेलोगे आपको जो भी पॉइंट्स ऐड होंगे उसके बेसिस पे जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा किया है उसे ये मौका मिलेगा. आई मीन लाइक दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट गाइस, मुझे मिलता तो मैं बिल्कुल फटाफट ग्रैब कर लेती. एंड डोंट फॉरगेट, ये 5th अक्टूबर से 18th अक्टूबर तक चल रहा है, कुछ दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, कुछ दिन अभी भी बचा है, हाफ टाइम जा चुका है, हाफ टाइम बचा है, अभी भी मौका है. रोज खेलो, लगातार खेलो और मचा दो एंड गो एंड मीट अमिताभ बच्चन. सो एक्साइटिंग राइट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? Indian Ocean के ऊपर जो हमारा location है वो बहुत ही important considered किया जाता है. क्यों? बच्चा नाम ही इंडिया पे दिया हुआ है ओशन का, इंडियन ओशन, यानी कि जो इंपॉर्टेंस है इस लैंडमार्क की वो बहुत ज्यादा है और उसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब अगर देखें कैसे, तो हमारा जो है जापान वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है आपका नॉर्थ वेस्ट में, एंड देन वी हैव अफ्रीका. ऑल ऑफ दीज प्लेसेस बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन हमारी जगह से इक्वी डिस्टेंट है. तो आप देखो एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, हमारा ट्रेड और ये सारी चीजें इन सब के साथ बहुत ज्यादा प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो पाती है हमारी लोकेशन की वजह से. एट द सेम टाइम जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन पे स्पेशली वो सबसे बड़ी है इंडिया की, विच मेक्स इट वेरी वेरी प्राइम, यू नो द लोकेशन बिकम्स वेरी प्राइम. एट द सेम टाइम सिर्फ कोस्टल ही क्यों, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो फिर एयरपोर्ट्स से भी कनेक्ट होती हैं. एयरपोर्ट्स जो एरोड्रम से बहुत बड़े बड़े हमारे, वो बाकी और कंट्रीज के बड़े एरोड्रम्स से, एयरपोर्ट्स से भी कनेक्ट होते हैं. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स द लोकेशन वेरी इन टर्म्स ऑफ यू नो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओशन वेरी प्राइम. तो फटाफट देखते हैं इस आंसर को. India is situated in the eastern hemisphere. It stands on the northern edge of the Indian Ocean. Japan in the northeast, Australia in the southeast, Europe in the northwest, and Africa in the southwest are almost equal distance from India. The trans-Indian Ocean routes connecting the countries of Europe in the west and the developing countries of Asia in the east provide a strategic central position to India. तो आप देख रहे हो बिल्कुल center में lie करते हैं. So naturally बहुत strategic और बहुत अच्छा position है. Deccan Peninsula projects into the Indian Ocean. It helps India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. दोनों coast से हम लोग इन जगहों पे बहुत अच्छे properly, you know, we have established a close contact. India has the longest coastline on the Indian Ocean. No other country has such a long coastline. India has an important position in respect of international sea trade routes, which passes through the Indian Ocean. Air routes touch Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata aerodromes. They join with other famous aerodromes of foreign countries. India's eminent position in the Indian Ocean justifies the naming of ocean after it. And this is the reason why it becomes very, very significant. Okay, guys, I just want to take this moment and tell you how much proud I am and the kind of pride we all are feeling as a Vedant. क्योंकि वेदांतु ने दिया है बेस्ट रिजल्ट अमंग्स ऑल ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस इन आईआईटी जेईई. हमने बैक किया है 253 टॉप रैंक्स इन द टॉप 10,000 ऑल इंडिया रैंक्स ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस. हाउ ऑसम इज दैट. और ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा सीना चौड़ा किया, हु हैव मेड अस प्राउड. Guys, it's their hard work and it's the hard work of the master teachers along with them which has made this happen. और इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती. I'm sure आप भी बहुत proud feel कर रहे होंगे being associated with Vedantu family and being a part of the Vedantu family, being a Vedan. And on the same notes, I also want to say that अगर आप भी यही करना चाहते हो, you are on the right platform, you are on the right track. And what will help you and what help them, guys?
उनकी भी ये सारे प्रॉब्लम्स थे, बट ये सारे प्रॉब्लम्स किस से डाउट पूछे, क्या नोट्स पढ़े, टेस्ट असाइनमेंट्स, ऑल ऑफ दीज वर सॉर्टेड. चॉइस ऑफ शेड्यूल दिया गया, चॉइस ऑफ लैंग्वेज दिया गया, विद अ लॉट ऑफ बोनसेस ऑफ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, इन सब चीजों बोनसेस के साथ. उन्हें सिर्फ क्या करना था, एक लिंक पे जाना था जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आपको चैट में पिन भी दिख रहा होगा, और उस लिंक पे जाकर उन्होंने फॉलो करना था ये स्टेप्स, अपना ग्रेड चूज करना था, बोर्ड चूज करना था, सारी डिटेल चेक करके सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना था, क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन करना था. और दो ऑप्शन आते, एक महीने के और तीन महीने के, आपके लिए भी आएंगे. सिलेक्ट करो आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो, एक महीना सिलेक्ट करो. आपको लगता है थ्री मंथ्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप मचा दोगे फाइनल एग्जाम में, तो तीन महीने सिलेक्ट करो. और आपको ये सारे पैकेजेस बच्चों बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं. जो पहले 6999 पे अवेलेबल था, अब इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 5599 रुपीज विद दिस कोड. कोड क्या है, ANKPRO, या अंकना मैम का कोड है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दैट. जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप, उसमें ये कोड जरूर यूज करना, आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट. और आपको पता है लिंक कहाँ है, हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाओ, या फिर हमेशा चैट सेक्शन में पिन दिखेगा, और कोड लगाना भूलना मत बच्चा, इससे ही मिलेगा डिस्काउंट. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस सेशन. आपको अच्छा लगा, आंसर समझ आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अभी और वीडियोज आने वाले हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगा. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे गुड गाइज, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.